नमस्कार साथियों, आज पहुंचे हैं पंजाब प्रांत के पटियाला डिस्ट्रिक्ट के नंदपुर केशव गांव में। इस गांव का रिलेशन हरियाणा के साथ रहा है। इस गांव में दड़ान गोत्र, जिसे हरियाणा में शोकंद गोत्र के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली और उसके आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शौकीन गोत्र के नाम से जाना जाता है, और हरियाणा में ये जो गाँव का रिलेशन बताया जाता है, गाँव डाकल है जिन डिस्ट्रिक्ट में नरवाना के पास, उस गाँव से इनके बुज़ुर्ग को आया बताया जाता है। तो लेकिन इस गांव की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ गति से हुई। जिस समय ये देश आज़ाद हुआ, उस समय नेहरू के साथ भी इस गांव के लीडरों के बहुत अच्छे संबंध थे। यहां के मुख्यमंत्री तक इस गांव में आते थे। इस कारण से तो इस गांव का डेवलपमेंट बहुत तेज़ था। हमारे साथ हैं भाई हरमन जी। तो हरमन जी, बताइए कि आपका जो गाँव है कितना ज़्यादा डेवलप है, बहुत छोटा शहर कहेंगे इसको जी, इतना साफ़ सुथरा है, तो किस तरह से डेवलप हुआ था? सर देखिए, जो मतलब आज़ादी से पहले ये जिस स्कूल के अंदर हम खड़े हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदपुर केशव, आज़ादी से पहले ये स्कूल बन चुका था। और यहाँ पर मतलब कह लो कि बताया जाता है पटियाला के अंदर, और उसके बाद हमारे गांव के अंदर ही ये मतलब कह लो कि स्कूल था। वहाँ पर आसपास के इलाकों के 20-20 किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल नहीं था। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी जैसे आपने बताया कि हमारे गांव के जो मतलब कह लो कि बड़े बुज़ुर्ग थे, उनके पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे लिंक थे, तो मतलब कह लो 1990 तक गांव के जो डेवलपमेंट थी बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। आज़ादी से के बाद और 1990 तक जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि इस गाँव के अंदर +1 +2 है, और जिसके अंदर नॉन मेडिकल स्ट्रीम है। और देखा जाए, आज से 10 साल पहले जब मैंने भी मतलब प्लस टू की थी, सिर्फ पटियाला के अंदर और सरहंद के अंदर ही नॉन मेडिकल मेडिकल की स्ट्रीम थी, लेकिन आसपास के कहीं किसी गांव के अंदर नॉन मेडिकल की स्ट्रीम नहीं थी। तो साथियों, हरियाणा में बहुत से गांव हैं जिसमें मेडिकल नॉन मेडिकल है, लेकिन इस गाँव की आबादी कितनी है? इतना छोटा गाँव है, इतना छोटा गाँव होने के बाद इतनी ज़्यादा सुविधाएँ कितनी? यहाँ पर लगभग 1200 के करीब मतलब कह लो कि पॉपुलेशन है, और जो मतलब कह लो कि बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, लेकिन जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 1200 के करीब यहाँ की पॉपुलेशन। तो साथियों, पंजाब प्रांत का ये गांव हिंदू मुस्लिम सिख तीनों धर्मों के आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। इस गांव में प्रेम के प्रतीक हीर रांझा की मजार भी बनाई गई है। इस गाँव की साफ सफाई इतनी ज़्यादा है कि इस गाँव के लोग अपने गांव की साफ़ सफाई के लिए केवल कर्मचारियों पर निर्भर नहीं हैं, इस गांव के लोग अपने आसपास स्वयं सफाई करते हैं। इस गांव की शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर की रही है। आज़ादी के समय से ही इस गांव में 10वीं तक का स्कूल था, और इस गांव के लोगों के संबंध जवाहरलाल नेहरू तक थे। तो इस गाँव में शुरू से ही हर तरह की फैसिलिटी और सुविधाएँ रही हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो इस गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते थे, लेकिन इस गांव के लोगों ने अपने गांव से मुस्लिम समुदाय के लोगों को पाकिस्तान जाने से रोक लिया था। 30-35 घर ने जी मुसलमानों के इत्थे, 30-35 घर ने, तो कोई इदां दी गल नहीं हैगी। तो सानू 47 दे विच इत्थे साडे जिमीदार भरावां ने, साडे इक जोत राम जी हुंदे सी, उन्होंने सानू इत्थे साडे पछोकड़ नू, जिहड़े साडे बजुर्ग सी, उन्हां नू रखिया, उन्हां नाल प्रेम भाव सी, कोई इदां दी गल नहीं, सानू जान नहीं दित्ता 47 दे विच बाहर पाकिस्तान। अमृत छकाया जिहड़े मुसलमान आ गए ते ना, अमृत छकाया ना, चलो पता नहीं, मैं तो ओ टाइम है भी नहीं सी, ते जिहड़ी गल साडे बजुर्गां नूं सुणदे आ सी, ते उह तों बाद सारे, मेरा जिद्दां हुण नाम, मैं मुसलमानां दा मुंडा, मेरा नाम तरनजीत सिंह, मेरे फादर साहब दा भी सिंघे सी नाम, ते मेरे फादर साहब दा जूड़ा भी रख्या सी ओह टाइम, असी पर है मुसलमान, पर असी सारे धर्म नूं मानदे आ, मंदिर भी जाने, गुरुद्वारा साहब भी जाने, साडे पिंड दे विच कोई जात प्रति वाला सिस्टम नहीं हैगा। कि अपने जिहड़े सिख भरा ने, पंडित ने, वह आउंदे ने, ते किवें रोजे दे टाइम साडे जिमीदारां दे मुंडे रोजा खला के जांदे ने इत्थे, ठीक है, ते कोई इदां दी जात प्रति वाला सिस्टम है नहीं पिंड दे विच। इह गुरुद्वारा धन्ने भगत दे नां ते बाबा करनदास ने बनवाया, ते उहनां दे ये 2-4 साल बनिया, तो पिंड दा नगर दी सेवा नाल बनवाया गया। धन्ना भगत की यहाँ पर जयंती वगैरह मनाई जाती है? धन्ने भगत की जयंती मनाने हर साल। इसमें सभी प्रकार से हर धर्म का आपको मंदिर भी, मस्जिद भी,
और गुरुद्वारा भी मिलेगा कोई, क्योंकि ये सभी गांव ही है जो भी संतों का बसाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है भी हाँ संत किसी से अलग है, इनका कोई धर्म से नाता भी नहीं है ना। और हमारे यहाँ जो गुरुद्वारा साहब भी बनाया हुआ संतों का ही बनाया हुआ है, और जो एक जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये बाबा भगवानपुरी की समाधि है, ये जो मंदिर है पूरा किले के अंदर है, और इस गांव में एक मस्जिद भी है। कहते हैं कई गांव हरियाणा में भी हैं इनके, कई गांव पंजाब में भी हैं। ये माता दा बुरजा किले दे चार बुरज सी, ते पहला गांव सी जड़ा किले दे अंदर अंदर ही रहंदा सी, बाहर कोई नहीं रहंदा सी। ये चौथा बुरज फिर माता नूं दित्ता नगर बरसाउण वास्ते, ते इत्थे बाबा समाधि आ, ते बाबयां दी 600-700 साल पुरानी, ते इहदे अंदर अंदर गांव था। उससे बाद फिर गांव सारा बाहरले पासे बसा है किले थे। तो यहाँ हर तरह की मंडी थी, हर चीज़ थी, अब वो सारा कुछ बाहर चला गया। एक दूसरे के घर में जाते हैं, खुशी मनाते हैं, कोई त्यौहार होता है, यहाँ पे कोई कभी दंगा फसाद नहीं हुआ। यहाँ पे मस्जिद भी है, वहाँ पे भी कोई प्रोग्राम होता है, पंजाबी और सारे हिंदू एक इकट्ठे होते हैं तो उसे मनाते हैं। जो हमारा गोत है वो है जट दड़ान खानदान गोत है, जो हमारा तीन गोतों में बट गया। पहले हमारा गोत था जो वो था सोकंद, फिर हमने गोत दड़ान रख लिया, तो दिल्ली वालों ने कुछ ने शकीन रख लिया, ये अलग अलग गोतों में बट गए। अगर इस हमारे गांव की आबादी की बात की जाए राइट नाउ तो लगभग 1200 के करीब है, लेकिन ये जो स्कूल था ये आज़ादी से पहले ही मतलब कह लो कि बन गया था। 5 जनवरी 1947 को ये स्कूल बनकर तैयार हो चुका था, और उसके बाद जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी 1990 तक हमारे गांव ने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की थी, क्योंकि हमारे गांव के बुजुर्गों के जो लिंक थे वो कांग्रेसी नेताओं के साथ भी थे, अकाली नेताओं के साथ भी थे, जो समय समय पर मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी हमारे इस गाँव के अंदर आते जाते रहे हैं। और स्कूल की बात की जाए तो हमारे स्कूल में मतलब कह लो कि ये पहले 10th तक स्कूल हुआ करता था, उसके बाद +1 +2 हुआ। देखा जाए तो मतलब कह लो कि आज के 1200 की आबादी के अंदर गांव के अंदर सिर्फ प्राइमरी स्कूल होते थे, लेकिन इस गांव के अंदर +2 तक स्कूल है, और +2 भी मतलब कह लो कि आर्ट्स के साथ साथ कमर्स मेडिकल नॉन मेडिकल भी। नॉन मेडिकल की बात की जाए तो आज से 10 साल पहले जब मैंने +2 की थी तब भी मतलब कह लो कि सिर्फ पटियाला और सरहंद के अंदर ही मेडिकल नॉन मेडिकल की सुविधा थी, किसी गांव के अंदर मेडिकल नॉन मेडिकल की सुविधा नहीं थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इसी स्कूल से पास होकर जज भी बने हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर गए हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी बने हैं। और हाँ, जब मतलब कह लो कि देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद जब स्कूल बना तो स्कूल के अंदर स्टार्टिंग के अंदर 200 JBT की सीटें भी हुआ करती थी। तो जैसे हरियाणा के साथ हमारे लिंक थे तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो हरियाणा से आए थे, तो हरियाणा से आने के बाद हम बताया जाता है जो बुजुर्गों से सुना है कि हम सरहंद के पास आम खास बाग के अंदर कहीं रहा करते थे, तो जो बाग था वो हमारे गांव की हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे उनकी मालकियत सी थी। तो जो उस समय के राजा थे उन्होंने मतलब कह लो कि उस बाग के बदले हमें ये नंदप्रकेश मतलब जहाँ पर गांव बसा है जहाँ पर एक किला हुआ करता था, जिस किले के अंदर हमारे गांव को मतलब बसाया गया, जिसके बाद जो किला था मतलब कह लो कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वो किला लोग डाते रहे अपने हिसाब से मरम्मत करते रहे, लेकिन आज भी इस गांव के अंदर जो किले के चार बुर्ज होते हैं उनमें से 2 बुर्ज आज भी इस गांव के अंदर स्थापित हैं। ये जो हमारी मतलब हीर रांझा की मजार है, पुराने बुजुर्ग बताते थे कि जहाँ से हीर रांझा गुजरते थे तो वहाँ पर उनकी मजार बन जाती थी, और उसके बाद हमारे जो पशु हैं जो डंगर मतलब गायें भैंसें होती हैं तो उनकी जो एक समय पे बीमारी आ गई थी गांव के अंदर पशुओं को, तो ये मान्यता भी है कि यहाँ पर चूरी का मतलब कह लो कि माथा टेका जाता है साल में एक बार, और यहाँ पर एक मतलब कह लो कि जो पुराने होते थे मतलब यहाँ पर जो कबीशर होते थे वो भी एक साल में एक बार मतलब कह लो कि उनका भी यहाँ पर मेला लगाया जाता है। ये जो मतलब कह लो कि हीर रांझा यहाँ से गुजरे थे ये इतिहास है, और ये मिथ्यास है हमें मतलब पक्का मालूम नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। हमारे गांव के अंदर लगभग सभी धर्मों के यहाँ पर मतलब कह लो कि लोग रहते हैं, और 10 से लेकर 12 जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी अच्छे से प्यार से मिलकर रहते हैं। जब
1947 की मतलब बंटवारा हुआ था, तो उस समय भी हमारे गांव के बुजुर्गों ने जो हमारे मुसलमान भाई थे उनको भी इस गांव से जाने नहीं दिया था। और आज भी सभी मतलब कह लो कि इकट्ठे होकर सभी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाती हैं। और बात की जाए पॉलिटिक्स की, तो यहाँ पर आज तक कभी भी धर्म की पॉलिटिक्स नहीं है, सभी अच्छे से मिलकर रहते हैं। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल ग्रामीण भूमि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो को डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे पंजाब का कल्चर बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ के भाइयों के साथ भाइयों के रंग में ही घुल मिल गया हूँ। मुझे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो भाई ने मुझे पग पहनाई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के।